गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। टुडे वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड GK यूनिट 1 चैप्टर 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है आपका, वो है रोल ऑफ फैमिली, मीन्स फैमिली का क्या रोल होता है। स्टार्ट करते हैं। एवरी फैमिली मेम्बर प्लेस अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। कि आप लोग जानते ही हैं सभी कि हमारे जो फैमिली मेम्बर होता है, हर किसी का एक हमारी जो लाइफ में, हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। आपकी जैसे मदर हैं, आपके लिए कुक करती हैं, आपको रेडी होने में हेल्प करती हैं, तो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपको आपके साथ प्ले करते हैं, आपको अच्छी अच्छी मोटिवेटिव स्टोरीज बताते हैं, है ना। तो सभी का फैमिली मेम्बर जितने भी हैं हमारे, सबका ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो उसी से रिलेट करते हुए चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका। मैच द स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं 1 to 8, 8 पॉइंट्स में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स वो, और साइड में आपको पिक्स दिखाई हुई हैं ABC। तो उनसे हमें मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किससे मैच होगा। ऑलराइट, फर्स्ट है आपका आई प्ले विद माय ब्रदर, कि मैं मेरे ब्रदर के साथ खेलती हूँ। तो किससे के साथ मैच होगा वो फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स, ए वाले के साथ में। वन जो सेंटेंस नंबर 1 है वो हमारा ए से मैच होगा। सेकंड, आई स्टडी विद माय सिस्टर, आप देख के बता सकते हैं किससे मैच होगा सेकंड वाला, ई से। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, आई विजिट द मार्केट विद माय ग्रैंडपा, ग्रैंडपा के साथ मार्केट विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं। तो कौन सा वाला पिक हो रहा है इससे मैच, बी वाला, थर्ड वाले को हम बी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है हमारा, माय ग्रैंडमा रीड्स बेड टाइम स्टोरीज टू मी। ग्रैंडमा बेड टाइम यानी कि आप जब सोते हैं उस टाइम आपको स्टोरीज रीड करती हैं, आपके लिए पढ़ती हैं। तो वो कौन सी वाली पिक से मैच होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारा एफ से। तो हम फोर्थ वाले को एफ से मैच कर देंगे सेंटेंस को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ सेंटेंस, माय आंट हेल्प्स मी विद माय होमवर्क, कि आंट जो है होमवर्क में हेल्प करती हैं। तो पिक के अकॉर्डिंग सी वाली है वो, तो फिफ्थ सेंटेंस को हम सी वाली पिक से मैच कर देंगे। नाउ सिक्स सेंटेंस, माय अंकल टीच मी हाउ टू प्ले क्रिकेट, कि मेरे अंकल मुझे सिखाते हैं या बताते हैं कि क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। सिक्स सेंटेंस हमारा मैच होगा जी वाली पिक से, सिक्स को जी से मैच कर देंगे स्टूडेंट्स हम। नाउ सेंटेंस सेवन, माय मदर हेल्प्स मी ड्रेस फॉर स्कूल, ड्रेस पहनने में हेल्प करती है मदर, तो वो किससे मैच होगा सेवन्थ वाला, डी से, डी वाली पिक से मैच कर देंगे हम लोग स्टूडेंट्स इसको। एट, माय फादर ड्रॉप्स मी टू स्कूल, स्कूल ड्रॉप करते हैं यानी कि स्कूल छोड़ते हैं फादर, वो वाली पिक है हमारी एच वाली। तो एट वाला जो सेंटेंस है हमारा एच पिक है जो हमारी, उससे मैच हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका ये इतना ही है, इसका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी। नाउ फिफ्थ चैप्टर, गुड हैबिट्स। नंबर द गिवन पिक्चर्स शोइंग गुड हैबिट्स वी ऑट टू फॉलो इन द करेक्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स, हमें इसमें भी कुछ पिक्स शो की गई हैं, 1 to 8 पिक्स हैं टोटल हमारे पास ये। उन 8 पिक्स को हमें, उसमें हमें गुड हैबिट्स शो की गई है, ठीक है ना। आप लोग भी जानते हैं गुड हैबिट्स कैसे होती हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ, ये जो होती हैं ये गुड हैबिट्स में आती हैं। बट ये सिस्टमेटिक नहीं है, ये अरेंज, तो इसके लिए अरेंज नहीं है। तो अब क्या, अरेंज तो इसको कर नहीं सकते हम पिक को, तो हम क्या करेंगे, इनके पास में हमें ब्लॉक्स बना के दिए हुए हैं, वो ब्लैंक में है, हमें उनमें नंबरिंग करनी है उनकी। तो नंबरिंग करके हम उन्हें करेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पिक है हमारी ब्रश योर टीथ, नेक्स्ट पिक है हमारे पास गेट रेडी फॉर स्कूल, थर्ड पिक हमारे पास है टेक अ बाथ, फोर्थ पिक हमें दी है डू योर होमवर्क, फिफ्थ दी है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
नेक्स्ट पिक हमारे पास है कॉम्ब योर हेयर, देन नेक्स्ट हैव ब्रेकफास्ट एंड लास्ट पिक है हमारे पास प्ले विद योर फ्रेंड्स। अब ये पिक्स करेक्ट ऑर्डर में नहीं है स्टूडेंट्स, इनको ऑर्डर हमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठते हैं ना या उठना चाहिए हमें जल्दी, तो फर्स्ट नंबर पे वो वाली पिक आएगी। गुड हैबिट्स में सबसे पहले क्या होती है, जल्दी उठना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम उठ जाएंगे उसके बाद हम ब्रश करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे पिक शो की हुई है स्टूडेंट्स, ब्रश योर टीथ, उसको हम सेकंड नंबर कर देंगे। उसका जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें टू नंबर राइट डाउन करेंगे। देन ब्रश करने के बाद क्या करना चाहिए हमें, टेक अ बाथ। तो जो थर्ड वाली पिक है उस पर हम थ्री नंबर डाल देंगे, उसके साइड में जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें थ्री नंबर राइट डाउन करेंगे। देन जब आप रेडी हो जाएंगे, आप बाथ ले लेंगे, उसके बाद में आप अपने हेयर्स को कॉम करेंगे। सो आपके पास जो सिक्स नंबर पे पिक शो की हुई है उस पर आप फोर्थ नंबर राइट डाउन कर देंगे। देन फोर्थ नंबर के बाद गेट रेडी फॉर स्कूल, आप हेयर्स बना लेंगे, उसके बाद आप रेडी होंगे स्कूल के लिए। तो जो सेकंड नंबर वाली पिक है उस पर आप जो साइड में ब्लॉक बना हुआ है उस पर आप फिफ्थ नंबर राइट डाउन करेंगे, आप स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर क्या करना चाहिए आपको, हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता लेना चाहिए है ना, कुछ खा के निकलना चाहिए आपको। नहीं तो आपने देखा कोई बच्चा फेंट हो रहा होता है स्कूल में, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए लाइट ब्रेकफास्ट करके ही निकलना चाहिए। इतना हैवी भी नहीं खा लेना चाहिए हमें मॉर्निंग में, तो लाइट ब्रेकफास्ट लेके चलना चाहिए स्कूल जा रहे हैं तो, या फिर कहीं पे भी आपके फादर हैं या वो ऑफिस जाते हैं, या आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं वो कॉलेज गोइंग हैं, तो ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। तो ये हमारी जो सेवन नंबर की पिक है स्टूडेंट, उस पर हम सिक्स नंबर राइट डाउन कर देंगे। ब्रेकफास्ट लेने के बाद में फिर हमें क्या करना चाहिए, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करना चाहिए। पिक्स के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, ये होमवर्क करना चाहिए। उस पर हम जो फोर्थ पिक है उस पर सेवन नंबर डाल देंगे। देन लास्ट में प्ले विद योर फ्रेंड्स, जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। तो एट नंबर वाली पिक को, एट लास्ट वाली पिक जो है आप उसे एट नंबर राइट डाउन कर देंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमारी जो गुड हैबिट्स का जो चार्ट शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको ऑर्डर में सेट किया है, करेक्ट ऑर्डर में। तो जो फर्स्ट पिक दे रखी है उस पर आप नंबर टू करेंगे राइट डाउन, सेकेंड वाली में फाइव, थर्ड वाली में थ्री नंबर, फोर्थ वाली में सेवन, फिफ्थ वाली में वन, सिक्स पिक में आप करेंगे फोर्थ, सेवन पिक में सिक्स नंबर, एंड लास्ट जो पिक है एट, उसमें एट नंबर राइट डाउन कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर यहीं ओवर होता है। नेक्स्ट अब आपका चैप्टर है आपका सिक्स चैप्टर है ये, फेवरेट फूड आइटम्स। स्टूडेंट्स ये आपको सेल्फ करना है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है, ये वर्क आप इजीली कर सकते हैं। वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, हम बहुत सारी वैरायटीज़ खाते हैं ना फूड की, कोई पिज़्ज़ा, कोई बर्गर, कोई फ्रूट्स, वैरायटी हैं ये सब फूड आइटम्स की। कलर द फूड आइटम्स, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको फूड आइटम्स दिए हुए हैं उनको आपको कलर करना है। दैट यू लव एंड राइट दियर नेम्स इन द गिवन स्पेस, इनके नीचे स्पेस भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उनके आपको नेम्स लिखने होंगे नीचे, और साथ में ये जो पिक्स दे रखी है उनमें आपको कलर फिल करना है। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप जो इसमें कलर फिल करेंगे, या तो उसमें आप क्रेयन कलर या फिर पेंसिल कलर फिल कीजिएगा, ताकि बुक में वो अच्छा भी लगे, अट्रैक्टिव नज़र आए। ऑल राइट, आप स्केच कलर यूज़ नहीं करेंगे, स्केच कलर, वाटर कलर यूज़ ना करें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज आपको मैंने चैप्टर फोर, फाइव एंड सिक्स क्लियर कर दिया है विद एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। तो आप उनको रीड कीजिएगा प्लस लर्न भी कीजिएगा, और इनका मैं PDF सेंड कर दूंगी ताकि आप उनको अपनी बुक में फिल कर सकें, कि मैच करना है या करेक्ट ऑर्डर फिल करना है, तो वो आप सेल्फ कर सकें, और साथ में ये भी वर्क कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।